हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ, और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। और इसी के साथ आज हम फिर से प्रेजेंट है एक नए और एक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हैंड वॉशिंग स्टेप्स। यानी कि हम अगर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं या हम किसी भी पैथोलॉजी लैब के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान देना होता है कि हमको अपनी हैंड हाइजिंग, अपने हैंड वॉशिंग कैसे करने हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जो हैंड्स होते हैं वो डिसइंफेक्ट होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे 7 स्टेप्स होते हैं हम उनको कैसे फॉलो करते हैं और किस तरीके से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे जो 7 स्टेप्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। वो बहुत ही इजी होते हैं, उनमें कोई ही इतनी बड़ी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि हम उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे। बस हमें क्या करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो 7 स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। हैंड वॉशिंग हमारे लिक्विड सोप हो या फिर हमारे पास में कोई भी सॉलिड सोप हो, उसके थ्रू जो हम हैंड वॉशिंग करते हैं उस कंडीशन में। तो आइए हम बताते हैं। पहला हमारा स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 होता है रब पाम्स टुगेदर। देखिए फ्रेंड्स, रब पाम्स टुगेदर हमारा सबसे पहली स्टेप होती है हैंड वॉशिंग में। तो जो जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं रब पाम्स टुगेदर। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने हैंड, अपने दोनों जो पाम्स होते हैं, हमारी दोनों हथेलियाँ होती हैं, हम उनको रब करते हैं बोथ हैंड्स। तो ये पहला स्टेप होता है हमारा रब पाम्स टुगेदर। इसके बाद है नंबर दो स्टेप है फ्रेंड्स हमारी रब पाम्स टुगेदर बोथ साइड, बैक बोथ साइड। यानी कि हमारे स्टेप्स ये होते हैं और जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं उस टाइप से कि दोनों हैंड्स को जो हमारे बैक साइड होते हैं उनको इस तरीके से हम ऐसे रब करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमें क्लीनिंग करनी होती है और तभी हमारे हैंड्स पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होते हैं। इसके बाद होता है हमारा तीसरा स्टेप होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो होता है इंटरलेक्स द फिंगर बोथ रब बोथ हैंड्स। ये होता है इंटरलेक्स, जो कंडीशन होती है हमारी वो ये होती है, आप इमेज में भी देख रहे हैं। और जो हमारी वो कंडीशन वो इस टाइप से होती है, इसमें हमको बोथ हैंड्स जो होते हैं हम उनको इस तरीके से पूरी तरीके से क्लीनिंग करते हैं और जो बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारे हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। तो ये भी एक डिसइंफेक्ट करने का एक स्टेप है जो हमारे हैंड वॉशिंग 7 स्टेप्स हैं उनमें से नंबर 3। इसके बाद आता है नंबर फोर क्या होता है, इंटरलॉक फिंगर्स एंड रब द बोथ हैंड्स फॉर बोथ साइड्स। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। और इंटरलेक जो कंडीशन होती है, जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कुछ इस तरीके से, हम इस तरीके से अपने दोनों हाथों को वॉश करते टाइम ऐसे करेंगे और इसी के साथ हमको अपने जो थंब होता है उसको भी हमारे जो ये हाथ के ऊपर की साइड जो होते हैं इनको भी ऐसे रब करना होता है। ऐसे ही बोथ हैंड्स इसी तरीके से हमको ये करना होता है। तो दोस्तों, ये था 4th स्टेप। और इसके बाद है हमारा स्टेप नंबर फाइव है रब थंब्स द रोटेटिंग बाई मैनर। वो ये क्या स्टेप होता है हमारा, हम आपको इमेज में भी दिखा देंगे। और ये जो पाँचवा स्टेप होता है वो ये होता है हमारा, इस तरीके से हम अपने थंब को रोटेट करेंगे, बोथ हैंड्स को ऐसे रोटेट करते हैं और हाथ की क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर सिक्स, वो ये होता है नंबर 6 जो होता है हमारा, होता है रब फिंगर टिप्स ऑन पाम। वो क्या होता है, यानी कि आप इमेज में भी देख सकते हैं और मैं आपको करके भी बताता हूँ। वो ये होता है कि हम अपने हैंड, एक हैंड्स के ऊपर जो अपने फिंगर टिप्स होते हैं उनको इस तरीके से रब करते हैं, बोथ हैंड्स इस तरीके से। तो ये होता है हमारा नंबर 6 स्टेप। और नंबर 7 और लास्ट स्टेप हमारा ये होता है रब बोथ रिस्ट इन ए रोटेटिंग मैनर। वो क्या होता है, वो ये होता है कि इस तरीके से हम अपनी जो रिस्ट होती हैं हम इनको ऐसे रोटेटिंग मैनर में इनकी क्लीनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। और इससे होता यह है कि हमारा जो पूरा हाथ जो होता है, जैसे कि अगर हम किसी ओटी के लिए जा रहे हैं या फिर हम
हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके बाद मान लो कि हमको खाना खाना है, लंच करना है, कुछ भी करना होता है, तो हमारे ये हैंड हाइजिंग, हमारे हैंड वॉशिंग जो 7 स्टेप्स होते हैं ये फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे हाथ पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं और कोई किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों पे नहीं होता है और पूरे हाथ हमारे यहाँ तक क्लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे जो टॉपिक था इसमें बस इतना ही था। इसमें 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग मैंने आपको ब्रीफली बताए हैं और अच्छी तरीके से बताए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।